सो गाइस आपका भाई लेके आए आज टूर्नामेंट का फाइनल मैच है, जो कि आप ये ट्रॉफी देख सकते हैं। अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर हेमंत राजपूत है, जो इस टूर्नामेंट अंडर 17 का बहुत अच्छे से वो मतलब क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। और यहाँ पे जो मैच चल रहा है, तो मैच आप देख सकते हैं फाइनल का दृश्य, और 6 विकेट गिर चुके हैं, तो आप एक बार देखिए। और ये शानदार से बैट जो बेस्ट बैट्समैन है उनको मिलेगा ये बैट, और ये बैट बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसको शॉट आपको चेक करा सकता हूँ, तो आप आइए देखते हैं। अमेजिंग बैट, बहुत अच्छा बैट है। और ये एक लड़के ने आज 5 विकेट, जिस बंदे ने 5 विकेट लिया है, एक लड़का है इस टीम का, 5 विकेट लिया है, बहुत अच्छा बॉलर था आप। और ये ट्रॉफी इसको आप देख सकते हैं एक बार, रनर अप का जो ट्रॉफीज है, ये विनर टीम का, विनर 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 टीम का ट्रॉफीज है, आप देख सकते हैं एक बार। इधर लाइए मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, और ये ट्रॉफी देखिए क्वालिटी कितना अच्छा है। तो हेमंत राजपूत जो है बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे मतलब चीज़ें बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है, और ग्लव्स देख सकते हैं बहुत अच्छी, PSC कंपनी का, जो कि न्यूजीलैंड की टीम यूज़ करती है, बहुत अच्छी ग्लव्स है। और आप देखिए कुछ क्षण बचे हुए हैं फाइनल मैच को, आप पूरा मैच देख सकते हैं यहीं से बनी हो रही है, और आप देख सकते हैं और यहाँ पर प्लेट चल रहा है, दर्शक लोगों को दिखाइए। और ऑफिसकल्स है कुछ, जो कि वो खुद से बोल रहा है ऑफिसकल्स है, लेकिन है नहीं ऑफिसकल्स, आप ऑफिशियल और आप देख सकते हैं वहाँ पे कबूतर बैठा के रखे हैं, जो कि पहले ओवर की पहली बॉल से चल रहे हैं और अभी तक खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो आप ये मैच पूरी लाइव देखिए और देखते हैं, आपको बताते हैं। ज़ूम करके बना दीजिए, हल्के हाथों से खेल दिया, यहाँ पे एक रन चुरा लिया, और टीम को 12 रन की जरूरत है। तो आपको मिलाते हैं अपने जो बॉलिंग टीम के नीरज जरावत से, जिन्होंने आज ठीक ठाक बैटिंग की है, पता नहीं वो खुद से बताएंगे क्या किया उन्होंने, क्योंकि कैमरामैन के साथ जुड़ते रहते हैं। आइए मिलते हैं नीरज रावत से। और नीरज, आज का फाइनल मैच आपका कैसा रहा? उतना अच्छा खासा, मैंने अपनी इंडिविजुअली इतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं करी, बट यह टीम ने पूरा अच्छा एफर्ट किया है, अब देखो रिजल्ट है तो भगवान के हाथ में। आपको क्या लगता है, अब टीम को सिर्फ 11 रन चाहिए और 40 ओवर पड़े हुए हैं, तो आपको देखकर मैच क्या लगता है? पीछे मैच अभी हमारे फेवर में बहुत कम मैच है, सामने वाले अपोनेंट टीम के फेवर में काफ़ी मैच है, तो मुझे नहीं लगता कि हम इस मैच को आज जीत पाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, हम आपको बताते हैं, बाकी आपने नीरज रावत ने बता दिया आपको, देखते हैं और बाकी चलते हैं ग्राउंड्स पे फिर से। और यहाँ पे कुछ दर्शक बाहर से भी देख रहे हैं, आप देख सकते हैं जैसे, और अब टीम जीतने वाली है उसकी। और यहाँ पे लगता है मेरी बातें बैट्समैन सुन चुके हैं, नो रन करके खेलेंगे तो 10 रन ऐसे ही दे देंगे, तो लगता है ये टीम जीत जाएगी। और यहाँ पे एम्पायर द्वारा कंप्लेन किया गया हुआ है कि आप ग्राउंड से बाहर हो जाए, अगर आप नहीं ग्राउंड के बाहर होना चाहते तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ये मैच पूरा देखने के लिए। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है सोन टैट, और यहाँ पे लग चुके हैं, लगता है यहाँ पे बाउंसर से, और यहाँ पे लगता है यहाँ पे टीम को फ़ायदा हो जाएगा अगर ये बाउंसर खिलाएंगे, तो एक चौका ऐसे मिल जाएगा। क्या आपको लगता है? मेरी भविष्यवाणी यही कहती है, क्योंकि एक दो बाउंसर मारेंगे तो यहाँ पे एक चौका मिल ही जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे कैप्टन द्वारा फील्ड में कुछ चेंजेस हुआ, एक्स्ट्रा कवर से पॉइंट पे ला दिया गया है उस्मान ख्वाजा। शॉर्ट बॉल डालेंगे और यहाँ पे कत्तियों का चौका मिलेगा, देखते हैं मेरा क्या हाल है। ओ बोल्ड यर्कर, ये ड्रामा है।
और यहाँ पे मैच 50-50 आ चुके हैं और यहाँ पे कैप्टन बैटिंग पे जाते हुए जो कि देखते हैं। और यहाँ पे टीम बहुत अच्छे स्थिति में बॉलिंग रविंद्रा आ गई है। ये छोड़ देगा ना भाई, ऐसे ही छोड़ देगा, टेंशन मत। दूसरा मैच हो गया समझ लो, कसम से लेट है, ठीक हो गया। नो इतना बढ़िया कर रहा है, खड़ा होने से पता चलता है बंदे का। दो मैच मेरे साथ खेल चुका है ना, बेल्स गिरती हुई भी आती सारे आगे की बोल। हमने क्या बोला था इसके ऊपर 1970 है कौन सा इसमें एक आदि है ये तो 1970 एक स्वीप आएगा चौका आ जाएगा बस। चेक कर रहा है मीडियम प्रेशर को मार देता भाई यार, बहुत बड़ा बहुत बड़ा चौका वाला। मार, अबे मार ले ढंग के। पता है भागने के लिए थे यार हमने, है ना? स्वीप मार भाई, स्वीप ऊपर का है, बॉल है, फुल टॉस है। बंदा लीव भी करता है।
अरे थोड़ा सा लेग में मिल जाए ना बॉल स्वीप मार देने का। लेट यार खुश हो गया बहुत ज्यादा। टीम को सिर्फ 3 रन चाहिए और दूसरी टीम को 2 विकेट चाहिए। देखते हैं यहाँ पे मैच क्या होता है। मैच पूरा तरफ है, दोनों तरफ 2-3 का आंकड़ा है। लगता वाइड फेंकेगा। और यहाँ पे मैच जीत गया है UICA। रविंद्र हार गई और यहाँ पे टीम चीयर्स करते हुए